महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के बीच संग्राम जारी है। बीजेपी ने शिवसेना पर बीएमसी में कांग्रेस से चोरी छिपे मिलीभगत करने का बड़ा आरोप लगाया है। इसके साथ ही शिवसेना और कांग्रेस के बीच टिकटों के बंटवारों में भी सांठगांठ होने का आरोप लगाया है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने के लिए एक दूसरे के सामने कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस और शिवसेना ने 42 सीटों पर मिलीभगत की है। इस मामले पर मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बीएमसी में शिवसेना और कांग्रेस की साठगांठ पुरानी है। इस दौरान बीजेपी ने महानगर पालिका में शिवसेना के कई फैसलों का विरोध किया, लेकिन बीएमसी में बीजेपी शिवसेना के मुकाबले छोटा दल था, तो उसके विरोध को दबाने के लिए शिवसेना ने समय समय पर कांग्रेस तो कभी एमएनएस का समर्थन लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वहीं इन आरोपों पर कांग्रेस और शिवसेना ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सिरे से नकार दिया। बीजेपी के आरोपों को मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने हास्यास्पद करार दिया है, तो शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि भाजपा ऐसे आरोप लगाने से पहले एनसीपी के साथ अपने रिश्तों का खुलासा करे। वाकई यह अपने आप में एक अजीबोगरीब आरोप है। लंबे समय तक एक साथ बीएमसी का चुनाव लड़ने वाली बीजेपी शिवसेना अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।